एडवांस न्यूज हर समय आपके साथ। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। आइए दिखाते हैं ये खबर। आजमगढ़ जिले के तरवा ब्लॉक के तरवा ग्राम सभा में बड़कापुरा में भारत मिलाप व झांकी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ संपन्न। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में आए वीरेंद्र सिंह एडवोकेट ने फीता काटकर शुभारंभ किए। मौके पर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें पदाधिकारियों की अगर बात करें तो इसमें ब्लॉक तहसील एवं जिले तक के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां कार्यक्रम में पहुंचे मीडिया कर्मियों का स्वागत हिंदू युवा वाहिनी तरवा ब्लॉक के मीडिया प्रभारी अजीत सिंह ने माला पहनाकर स्वागत किए। पेश है हमारे संवाददाता डॉक्टर राम सुंदर की एक रिपोर्ट। के मास न्यूज़ देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज़ ऐप, देखें ताज़ा तरीन खबरें। मौजूद हैं इस समय हम आजमगढ़ जिले के तरवा ब्लॉक के तरवा गांव में, जहां की कई वर्षों से रामलीला का मंचन किया जाता है। आइए हम रामलीला का जो मंचन करा रहे हैं, जो समिति के अध्यक्ष हैं सोनू सिंह से हम बात करते हैं कि वो किस तरह से ये मंचन करा लेते हैं, क्योंकि मंचन कराने में काफ़ी इन्वेस्ट भी होता है, खर्च भी आता है, तो वो कैसे इस चीज़ को कवर करते हैं। आइए हम सोनू सिंह से बात करते हैं। रामलीला के अध्यक्ष जी, एक अपना नाम बताएं। हमारा नाम सोनू सिंह है। ये जो मंचन चल रहा है, जो मंचन आप कितने वर्षों से करवा रहे हैं? ये मंचन आप अपने कार्यकाल में शुरू किए थे या फिर इसके पहले कोई मंचन करा रहा था? आप इसको अपने हिसाब से शुरू किए? मैं इसको अपने हिसाब से शुरू किया हूँ। यहाँ पे 40 वर्षों से रामलीला होता है। 40 वर्षों से? इसका मतलब ये अध्यक्ष वाला जो पद है, इसके पहले दूसरे के यहाँ था? हाँ। इसके बाद आपने इसको कवर किया और ये कार्यक्रम आपने जारी रखा? जी। तो ये चीज़ें जो खर्च आती है इसके, आप इसको कैसे मेंटेन करते हैं? हमारे का कोरोना काल में काफ़ी जो है कि समस्या आई होंगी, आपने उसको कैसे कवर किया? हम लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सबको अपनी तरफ से सैनिटाइजर यहाँ पे बटवाते रहते हैं, जिससे कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ पर हिंदू वाहिनी के भी कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं, हम आपको उनके पास लेके चलते हैं कि वो इस मंच पे आए हुए हैं और रामलीला का जो आज हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भरत मिलाप यानी जो आखिरी चरण होता है, उस पर उनका क्या विचार है? हाँ, अपना नाम बताएं। हम लोग यहाँ आए हुए हैं भरत मिलाप का राखी निकलने वाली है, उसको देखने के लिए। देखिए, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है हिंदू धर्म का, जिसका सारा चरित्र अनुकरणीय है हिंदू समाज के, जितना मानव सभ्यता है सारे मानव लोगों को उसी हिसाब से रहना चाहिए। अगर भाई में त्याग की बात की जाए तो भरत से ज़्यादा किसी के अंदर नहीं हो सकता। अगर सेवा करना है तो लक्ष्मण के अंदर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुत्र का कर्तव्य जो निभाए हैं वो सबके अंदर होना चाहिए। ये रामलीला होती है इसके उद्देश्य होता है देख के इसको अपने अंदर उतारने का, इसीलिए हर वर्ष होती है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार हो गई खत्म हो गया। जब से राम का जन्म हुआ, इसके बाद द्वापर के बाद, आज तक उनकी लीला की जाती है, समाज में उनके आचरण को हम अपने अंदर उतारें। हम आगे आपको ले चलते हैं और भी संगठन के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं। रावण के बारे में आप क्या बता सकते हैं? और एक चलिए, हम और भी पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कराते हैं कि आपका नाम बताएं। योगेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष चुनिया। आप बताएं कि जैसे आज ये जो मंचन किया गया है, आज भरत मिलाप का कार्यक्रम है, तो भरत मिलाप के तहत राम ने कौन सी योजना बनाई थी और भरत ने कौन सी योजना बनाई थी कि हम अपने भाई से किस तरह से मिलेंगे, या राम ने कौन सी योजना बनाई थी कि हम किस तरह से मिलेंगे? पुरुषोत्तम राम जो है कि एक तरह से संदेश दिया था कि भाई अगर आपस में मिलके रहते हैं, रामायण करवाने का और रामलीला करने का यही उद्देश्य था कि भाई अगर आपस में मिलके रहे तो भाईचारा बनेगा। हम आपको आगे ले चलते हैं। भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री हैं सोनू सिंह जी,
हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी विचारधारा है, इस मंच पे आए हुए हैं तो लोगों के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सम्मानित करवा के सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि रामलीला का आयोजन जो स्थानीय चौकों से लगातार होते आ रहा है, मैं इसके लिए पुनः यहाँ के मंडल के ये रामलीला के अध्यक्ष जो सोनू सिंह के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, मैं अपनी तरफ से और आए हुए सभी पदाधिकारीगण की तरफ से मैं उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस परंपरा को लगातार चालू रखा, जिसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं यहाँ के सभी सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसे राम लीला का आयोजन किया गया है, वह सारे पात्रों को जैसे कि राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी, सारे भरत शत्रुघ्न जी के जो उनका विचार था। जो हम बात करेंगे हिंदू युवा एली के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ जी से कि आज इस जो समय ये चल रहा है और ये जो खुशी का पल है वो किस तरह से लोगों के बीच देना चाहते हैं या कैसे प्रकट करना चाहते हैं। राम जनमानस और ये जो रामलीला ये त्याग का, बलिदान का, धर्म के धर्म के विजय का बड़ा उत्सव, और इसके लिए हम इस मंच से मानवता की एक ऐसी भला पेश करते हैं कि जनता के अंदर वह उत्साह बना रहे, एक दूसरे के प्रति त्याग का, प्रेम का। अध्यक्ष जी, आप इतने दिन से आप काफ़ी, आपकी उम्र भी हो गई है और आपके पास काफ़ी अच्छा अनुभव होगा, तो एक चीज़ हम अपने चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि रावण और राम में क्या अंतर था। रावण और राम में यह अंतर था, जहाँ राम ने एक उत्कृष्ट पुत्र का, एक अच्छे पति का ऐसा उदाहरण पेश किया, वैसा भाइयों में उनका संवाद अच्छा रहा, और ठीक इसके विपरीत रावण का चरित्र ऐसा था कि उसने पत्नी के साथ वही काम किया, अभी भी वो कोई अनाचार करता था, पत्नी अगर विरोध करती थी तो उसकी कोई नहीं सुनता, उसने कभी अपने भाइयों का नहीं सुना और अपने अहम के नाते वो बनाया। आप देख रहे थे के मास न्यूज, मैं डॉक्टर राम सुंदर, स्ट्रिंगर ऑफ के मास न्यूज़।